वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल परेश जैन में स्वागत है। और आज का ये व्लॉग जो है राजस्थान का मेरा फोर्थ डे का फोर्थ व्लॉग है। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत जो है इस वक्त मैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ करूंगा। तो कैमरा रोटेट करके मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त कितना खूबसूरत व्यू मैं इस वक्त मेरे बेडरूम के बालकनी से देख पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो दिन की शुरुआत तो इतने खूबसूरत व्यू के साथ मैंने शुरू की है, लेकिन शुरुआत मैं ब्रेकफास्ट से करूँगा। अब ब्रेकफास्ट से शुरुआत करूँगा, इसमें कौन सी नई बात है, सभी लोग सुबह उठकर ब्रेकफास्ट तो करते ही है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। ब्रेकफास्ट से मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो मैं बनाने वाला हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि जब कभी भी मेरे घर पर कोई मेहमान आते हैं या मेरे दोस्त मेरे घर पर पार्टी के लिए आते हैं, तो चाय कॉफ़ी और पोहा बनाने का जो काम होता है वो मेरी बीवी का नहीं बल्कि मेरा होता है। और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनाता हूँ मैं। तो चलता हूँ आप सभी को मेरे साथ में किचन में लेके, और किचन में जाके आज कांदा पोहा और चाय जो है मैं बनाऊँगा और सबको आज खिलाऊँगा। तो चलते हैं किचन में। हिसाब से तो चाय और पोहा जो है बहुत ही टेस्टी बने हैं, लेकिन खुद की तारीफ खुद करूँ इसमें कोई मज़ा नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद मैं बच्चों को पूछूंगा कि उनको पोहा कैसे लगे। और आपको एक बात बता दूं कि जब भी कभी संडे को बच्चों का पोहा खाने का दिल करता है तो वो सिर्फ मेरे हाथ का बना हुआ ही पोहा खाते हैं। तो देखते हैं कि आज क्या रिव्यू है, क्योंकि आज पहली बार मैंने कांदा पोहे बनाए। नॉर्मली मैं प्लेन पोहे बनाता हूँ, तो जो भी रिव्यू होगा उनका रिकॉर्ड करके इसमें डालूँगा। दोस्तों इस वक्त दोपहर के 3:30 बजे है और जो हम हैं यहाँ से घर से निकल चुके हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। और नया एक्सप्लोर करने से पहले ही रास्ते में जो दृश्य मुझे दिखा है वो बहुत ही ख़राब है, और पूरे राजस्थान में लगभग बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सामने कितना ढेर पड़ा है प्लास्टिक का। देखिए दोस्तों, एक गुजारिश मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से करूँगा, राजस्थान के लोगों से करूँगा, और ख़ास तौर के राजस्थान के लोगों से, इसलिए क्योंकि राजस्थान में जो है प्लास्टिक का चलन जो है बहुत ज़्यादा है, जो मैंने अब की बार 3-4 दिनों में देखा है। आप छोटी सी कोई कैडबरी भी ले लेंगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक की थैली तुरंत मिल जाती है, और इन प्लास्टिक को जो है फिर इस तरीके से यहाँ पीछे फेंक दिया जाता है, और उसका जो नुकसान उठाना पड़ता है वो यहाँ के पशु पक्षियों को उठाना पड़ता है। जब भी गाय भैंस यहाँ पर भूखी प्यासी होती है तो इस तरह की जगह पर आती है खाना ढूंढने के लिए, और खाना ना मिलने पर वो इन्हीं थैलियों को खा जाती है, जिससे कि उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ख़राब असर पड़ जाता है और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और पेट दुखना आता है। फिर कई बार अगर समझ में आए, पता चल जाए लोगों को, तो उनका ऑपरेशन होकर उनके पेट से ढेरों थैलियाँ निकाली जाती है, और कई बार न मालूम पड़ने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों एक बात ज़रूर कहूँगा आपको कि राजस्थान में जहाँ कहीं भी घूमिए अपनी कैरी बैग साथ में कैरी कीजिए, वो भी कपड़े की, प्लास्टिक को इस्तेमाल मत कीजिए। और राजस्थान सरकार से भी कहूँगा कि इस बारे में विचार करें और प्लास्टिक को पूर्णतया राजस्थान में बैन करें। पहले इन खेतों की हालत जो थी बहुत ही ख़राब थी, काफ़ी सारे लोग उसे मेंटेन नहीं रखते थे, किसी प्रकार की खेती नहीं करते थे, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में ये पूरा जो इलाका है भंदर का बहुत ही डेवलप्ड हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा खेतों में फसलें उगाई जाने लगी है। वजह बहुत ही साफ़ है, खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी सरकार की तरफ से लोगों को दी जा रही है, किस तरह की फसल यहाँ पे उगाई जा सकती है उसकी जानकारी दी जा रही है। तो इससे इस पूरे इलाके में जो हरियाली है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जगह जगह पे आप सरसों के खेत देखेंगे, मक्की के खेत देखेंगे, गेहूँ की फसल लगी हुई है वो आप देखेंगे, जगह जगह पर यहाँ पर गाय भैंसों के तबेले बनाए गए हैं, बहुत डेवलप हो चुका है। मेरे लेफ़्ट साइड इस वक्त का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि सरसों के कितने ब्यूटीफुल से खेत है, ये देखिए। हम जैसे जो भंदर को छोड़ के शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं हमेशा के लिए, और 1-2 साल में कभी भंदर में आते हैं, तब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हम अपने घरों में ही रहते हैं और आसपास के लोगों में को मिलने में ही मशगूल रहते हैं। लेकिन
मेरा थोड़ा स्वभाव बदल गया है पिछले कुछ सालों में ट्रैवलिंग के लेते हुए। मैं इस बार जो हूँ भंदर के एक ऐसे जगह को देखना चाहता हूँ जो कि इससे पहले काफ़ी लोगों ने नहीं देखा। हालांकि यहाँ के रहवासी को तो सब कुछ पता है, लेकिन हम जैसे मुंबई में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोगों को नहीं पता है। तो इस बार मेरी कोशिश ये है कि भंदर और भंदर गांव के आसपास के जो खेत है, जैसे यहाँ के लोग जो है अरट कहते हैं, हम खेत कहते हैं, अरट यानी कि खेती होता है, तो उस खेतों में जाएंगे, खेतों में जाके वहाँ कौन सी फसलें उगी है वो देखेंगे, कौन से सीज़न में कौन सी खेती यहाँ पे की जाती है वो देखेंगे, और साथ में यहाँ पर जो तबेले हैं गाय भैंसों के उनको जाके एक्सप्लोर करेंगे। और इन सब जानकारियों को लेने के लिए मैं जिस व्यक्ति को मिलने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के बहुत ही खास मित्र है, दोस्त है, गणेश अंकल, जिनका खुद का भी यहीं आसपास एक खेत है। तो उनसे सुबह मेरी मुलाकात हुई थी और 3 बजे का टाइम मैंने रखा था, हालांकि मैं थोड़ा सा देर हूँ क्योंकि बच्चों को आज जो है भंदर की गलियाँ देखनी थी कि कैसी गलियाँ यहाँ पे, कैसे कैसे घर होते हैं, तो उनको वो दिखा के लाया हूँ। और अब जो सीधा जा रहा हूँ मैं गणेश अंकल से मिलने, जो कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उनके खेत पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि आपसे मैंने आज जो पोहा बनाया है, कांदा पोहा, और मैंने कहा था कि बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन मैं खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करूँ तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है पोहा मेरे रायना के और क्रिशेल के, पर क्रिशेल जो पोहा खाती है वो खाती है मीठे वाले, उसको मीठा बहुत पसंद है, उसमें ज़रा सी भी चिली नहीं चाहिए तो वो नहीं खाती है, और वो मेरे हाथ का बना पोहा ही खाती है, और मैं बनाऊंगा तो ही वो खाएगी, उसकी मॉम को वो क्लियर ना बोलती कि पापा बनाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। और जो रायना का जो टेस्ट है वो टेस्ट है उसका जो है उसको स्पाइसी पसंद है, और कांदा पोहे उसे पसंद है। तो कांदा पोहे जो घर में बहुत कम बनते हैं, और आज मैंने स्पेशली रायना के कहने के हिसाब से, फरमाइश पे कांदा पोहे बनाए थे। तो मैं रायना को पूछता हूँ कि रायना को सीरियसली वो टेस्ट कैसा लगा, शी विल टेल यू द फैक्ट। बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत टाइम से खाने की इच्छा थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अपनी झूठी तारीफ नहीं करता, सच ही बोलता हूँ मैं। और पूनम से भी पूछने वाला था, लेकिन तकलीफ ये होती है कि हर बार की तरह काफ़ी लोग जो है कैमरे के सामने आने में शर्मा जाते हैं, बोल नहीं पाते। मेरे डैड भी कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं, तो उनका रिव्यूज़ उनकी तरफ से मैं ही दिए देता हूँ कि बहुत अच्छे बने थे। दोस्तों, इस वक्त मेरे पापा के खास दोस्त गणेश अंकल हमें जो मिल चुके हैं, और इनके साथ अभी इनके खेत में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गणेश अंकल, आज अगले 2 घंटे आप हमें सब बताएंगे यहाँ पे क्या क्या, कौन कौन सी फसल आपके खेत में है, और कौन कौन से सीज़न में कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उगती है। तो राइडा, सरसों, जिसको सरसों, हाँ सर, अरंडी है, गेहूँ है, जौ है। सर्दियों में ये 3 फसलें यहाँ पे, तीन खास फसलें ये। और गर्मी और बारिश के मौसम में, बारिश में मक्का, अपने ग्वार, ये मतलब उड़द, तेल, जो भी बाकी तो यहाँ तो यही होते हैं, बाजरा वगैरह अपने यहाँ नहीं होता है, वो होता है उधर। ओके, अपने ये मतलब बाड़मेर की साइड में, बाड़मेर की साइड में है। तो अब हम इनके साथ में चलेंगे इनके खेत पे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। पकेगा तो पहिए पत्तियाँ वगैरह सब जड़ जाएगी। अच्छा, और एकदम पीला पड़ेगा, ये तो फूल है उसके, फूल से। तो कौन से सीजन में अंकल ये पकती है पूरी है? ये अभी बस वो तो थोड़ा लेट हुआ है, हाँ लेट हो गया, नहीं तो ये तो अभी तो मतलब वो हो गया पूरा, मेरा उधर खेत है उसमें तो एकदम ही क्लियर हो गया, एकदम रेडी, एकदम। यार भैंस का बच्चा दिखा तो मस्त, छोटा सा, 1 मंथ का, 1 मंथ नहीं पूरा नहीं हुआ है। ये वो अब ये अपना होगा 29 को, 1 महीने का। अच्छा, बस टोटल 29। ये यहाँ पे इसकी मम्मी को ढूंढ रहा है दूध पीने के लिए। अच्छा, 1 महीने का अपने आप दूध पीना चलना फिरना, यानी 1 घंटे के अंदर खड़ा होकर चलने लग जाएगा, 1 घंटे के अंदर ही। अच्छा, अपने आप कितना गॉड गिफ्ट है उसको, खड़ा हुआ और इसका मम्मी का दूध पीना लग जाएगा उसी समय। दोस्तों, ये जो बच्चा है सिर्फ 28-29 डेज का ही, 1 महीना भी इसे पूरा नहीं हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा है ये। तो हम आगे चलते हैं अंकल के साथ में। पापा देखो सीताफल। अच्छा, सीताफल का झाड़ है तेरा फेवरेट, खाने का नहीं खाते तो पका हुआ लावे कहीं से।
ये जो पीछे है ये है आम का पेड़, वो जो है वो सीताफल का पेड़ है पीछे, और ये जो है रायन करके एक यहाँ पे आता है जो बेर जैसा ही कुछ होता है, रायन का पेड़ है ये वाला। यहाँ पे एक छोटा सा कुआ है जिससे इस पूरे खेत में पानी सप्लाई होता है। ये देखिए हम यहाँ पे सुबह 5:30 बजे आ जाते हैं, 5:45 बजे मैं और आंटी दोनों एवरी डे पैदल डेली आकर के दूध निकालने का। वो तो दूध निकाली कि मैं उसका गोबर डालूंगा भैंस का। अंकल दिन में 3 बार आते हैं, तो तुम लोग 1.5 किलोमीटर में रो रहे थे कितना चलना है कितना चलना है। मेरे हो जाता है 15 से 18-20 किलोमीटर डेली एवरी डे। और दादाजी की उम्र के दादाजी की ये सब इसका लगा हुआ है। ये आएगा ना 400 पे आएगा तो मतलब फुल लाइट है। और ये फिर ये इसका मतलब वो मुझे एम्पियर बताएगा कितना कितना हॉर्स पावर का मोटर है। तो 5 पे आएगा तो 5 पे खड़ा हो जाएगा। ये स्टार्ट है और ये बंद है। ये है सुबह का ऑटो, जैसे ऑटो में डाल दिया और अपन घर के अंदर तो फिर ऑटोमेटिक तो चालू होगा ऑटोमेटिक बंद होगा डेली। फिर अभी इसको मतलब रिपेयर करना पड़ता है। जनरेटर भी कनेक्ट किया अंकल इसमें? हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ताकि लाइट जाए तो भी चालू रहे। हाँ चालू रहे। ये भी आया इसी साल आया। अच्छा इसी साल लगा 2000 मतलब 12 के फाइल थे। ओहो तो जाकर के अभी उसको गलत ने निकाल लिया। 2012 का एप्लीकेशन है और 22 में लगा है। 21 में लगा है। ये जो मेरे पीछे है ये जामुन का पेड़ है। जामुन की सीजन कौन सी अंकल? जामुन की सीजन कौन सी है? ये अभी मतलब मई जून, मई जून में जामुन की सीजन है। शंकर भगवान को यही पत्ती चढ़ती है? हाँ ये एक ही एक साथ में 3 पत्ती ही आती है इसमें, ऐसा मतलब एक एक पत्ती नहीं आती इसमें ऐसा। केले का पेड़ ऐसे लगते हैं। ओहो अच्छा एक डाली पे एक ही आया बस एक बार फिर ये इसका उम्र गया। ये सब देखो क्या है ऐसा ना मिर्ची ना मिर्ची नहीं है तो क्या है? हाँ मिर्ची है नहीं तो हाँ मिर्ची क्या दिखता है बाबू मिर्ची नहीं मेरे लीज को देख के लगा मिर्ची की फिर ही देखा मैंने है। दोस्तों एक और महत्व की बात मैं आज आपसे कहूंगा। गणेश अंकल के साथ में रहने के बाद में इतना तो ज़रूर पता चला है कि बहुत मेहनत लगती है अनाज को उगाने में, फसलों को उगाने में, उन्हें संभालने में, संवारने में, बीज बोने में। बीज बोने से लेके उनकी कटाई तक बहुत कड़ी मेहनत है। इस वक्त राजस्थान में जो टेम्परेचर है 12 डिग्री से 15 डिग्री का टेम्परेचर और कुछ कुछ इलाकों में तो 0 से लेके 5 तक का टेम्परेचर है। इतने ख़राब परिस्थितियों में, इतनी कड़ाके की सर्दी में भी सुबह 5 बजे गणेश अंकल उठ के अपने खेत में जाते हैं और ऐसा दिन में 3 बार करते हैं। आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त मेहनत के बाद में वो फसल उगती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि हम अनाज छूटा छोड़ते समय एक मिनट भी नहीं सोचते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आधा खाया आधा छोड़ देते हैं। लेकिन उस अनाज के बारे में ये सोचिए कि उसको उगाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है, उसकी वैल्यू समझिए, उसकी कीमत समझिए, उसके पीछे उसको उगाने की मेहनत को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप ज़िंदगी में कभी अनाज झूठा नहीं छोड़ोगे। और तब भी कभी घर पे आपके अनाज बच जाता है, कोई रोटी सब्जी चावल बच जाती है, तो मैं इतना कहूँगा कि उसे पशुओं को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि पशु आपके द्वार पे आके घंटी मार के आपके सामने खाना नहीं मांग सकता है। तो आप अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी समझिए, उन मूक प्राणियों को अगर आपके घर पर अनाज बच जाता है तो उन्हें ज़रूर खिलाएं। तो दोस्तों मेरी बहुत इच्छा थी कि आज मैं अपने बच्चों को मेरे साथ में भंदर की गलियों गलियों में यानी कि खेतों में खलियानों में सब जगह घुमाऊं और उनको बताऊं कि कैसे एक विलेज की लाइफ होती है। तो मैं पूछूंगा रायना से कि रायना व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा खेत में, पहली बार ही आई हूँ, और काओ से लोग मिल्क कैसे निकालते हैं वो सब मैंने पहली बार देखा है। कौन कौन से आज ट्रीज देखे? वैसे सब ट्रीज पहले कभी देखे थे? बहुत सारे ट्रीज, थोड़े बहुत देखे हैं बट ऐसे बहुत देखे भी नहीं है। सो यू आर सो हैप्पी? यस, एक्साइटेड, मजा आई? हाँ हाँ, बहुत मजा आया। तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही टाइम निकाल के अपने साथ में इन सब जगहों पर लेके जाओ। लग्जरी प्लेसेस के अलावा जो ब्यूटी है, जो मज़ा है, वो खेतों में है, वो गांव में है, वो गांव की मिट्टी की खुशबू में है। उनको उनसे रूबरू ज़रूर कराइए। और बस इसी के साथ मैं कहूँगा कि आज का ये व्लॉग, फोर्थ डे का व्लॉग, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।